सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत नगर निगम का चुनाव 27 दिसंबर को होने वाला है। चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 14 से भाजपा प्रत्याशी संजय ठेकेदार ने वार्ड 14 में जनसंपर्क अभियान चलाया। वार्ड 14 के राजीव नगर में मेयर प्रत्याशी ललित बत्रा भी संजय ठेकेदार के समर्थन में जनसभा में पहुंचे। संजय ठेकेदार ने कहा कि वो वार्ड 14 में अगर जनता के आशीर्वाद से चुने जाते हैं तो कोई भी समस्या नहीं रहने देंगे। ललित बत्रा ने कहा कि सोनीपत की जनता प्रलोभन में नहीं आने वाली है और वो मेयर और पार्षद में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगी। संजय ठेकेदार ने कहा कि वो सबसे वार्ड 14 के लोगों के दुख सुख में हमेशा खड़े रहेंगे। 14 वार्ड में आने वाली समस्या सीवर पानी और स्ट्रीट लाइट की समस्या को दूर करेंगे। संजय ठेकेदार ने कहा वो पिछले कई वर्षों से वार्ड 14 की समस्याओं का समाधान करते आ रहे हैं और अगर जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देती है तो वो वार्ड 14 में सीवर पानी की कोई भी समस्या नहीं आने देंगे। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। संपर्क कर रहे हैं आप, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? देखिए, भगवान की कृपा से मैं भगवान को सबसे ऊपर रखता हूँ। उसकी कृपा से मतलब हमने जो कल्पना की थी उससे भी अधिक बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है और निश्चित रूप से हम बहुत अधिक मतों से जीतने वाले हैं। बत्रा जी, पिछले कार्यकाल में निगम में कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अगर आप मेयर बनते हैं तो क्या उनकी जांच कराएंगे? देखिए, मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, मैं नेगेटिविटी में विश्वास नहीं करता, पॉजिटिविटी में विश्वास करता हूँ। जांच का एक अलग विषय है, वो तो देखेंगे ही, पर ये मैं विकास करवाने में विश्वास रखता हूँ और मैं विकास की तरफ जो है ना ज़्यादा ध्यान दूंगा। पहली बार किसी पूर्वांचली को टिकट दी गई है आपकी पार्टी ने, तो क्या कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देखता हूँ मैं। पूर्वांचल के लोग यहाँ के हमारे बसिंदे हैं, बहुत समय से बसिंदे हैं, पर उनको एक टिकट ये मान सम्मान मिलना ही चाहिए था और वो मिला है, हम बहुत खुश हैं। बत्रा जी, मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में कई पार्षद जो पार्षद लड़ रहे हैं उनको ये कहना है कि हमें पता ही नहीं है, कार्यक्रम रख दिए गए हमारे उसमें, तो उसके विषय में कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट? कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है बिल्कुल भी। और देखिए क्या है, अब कार्यक्रम मांगने वालों की संख्या थी 150, तो मिलनी तो कुछ ही लोगों को थी ना, समय तो लिमिटेड है ना, तो इसलिए बैठ करके पूरी हमारी पार्टी ने तय किया है और सबको जानकारी हो जाएगी, समय पर हो जाएगी। ये ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पार्षद से, क्योंकि उनके कार्यक्रम इतने मांगने वाले थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी, तो आखिर कहीं ना कहीं तो लिमिट उनकी रखनी पड़ेगी ना, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की। तो हमारी पार्टी ने ही बैठ के जिला अध्यक्ष ने तय किया है, उसमें किसी को कोई नाराजगी नहीं है, कोई बात नहीं है। पार्टी में भीतरागात चल रहा है, कुछ ये आ रहे हैं कि कुछ जो पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं कुछ आपके उसमें भी, तो उन पर कब कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं हो रहा, ये सब अफवाहें फैल रही हैं। मैं पूरे के पूरे 20 वार्डों में गया हूँ, 20 वार्डों के पार्षदों से मिला हूँ जो हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो JJP के थे चाहे वो थे, ये गलत अफवाह है और इस अफवाह से मैं कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि बचना चाहिए। यदि कहीं पता लगता है, कोई जानकारी है तो हमें दीजिए ना तुरंत। और आज तक हमने जितनी भी जानकारियाँ आई हैं हमने उनके गहराई में गए हैं, एक भी सच्चाई नहीं मिली, सब झूठ बोल रहे हैं। जनसंपर्क अभियान आपका चल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, बहुत ही बढ़िया जनसंपर्क अभियान है, लोगों का आशीर्वाद बहुत बढ़िया मिल रहा है और लोगों ने तो मान ही लिया कि संजय को पार्षद बनाना ही है और उन लोगों का आशीर्वाद है मेरे पे और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। पिछले 2 साल से आप जुटे हुए हैं इस वार्ड में, तो क्या काम आपने कराए थे? देखिए, 30-30 साल से कॉलोनी बसा हुआ है, पीछे चमन नगर का, गोविंद नगर का, राजीव नगर का, इन गलियों के अंदर कभी भी सीवर और पानी की भाई बहुत बड़ी समस्या थी। तो 2 साल से मैं आया हूँ, तो नगर निगम के अधिकारियों से मिल के जितने भी गली है सारे गली के अंदर जो है सीवर डलवाने का काम किया है, पानी डलवाने का काम किया है और अब गली बनवाने के लिए कोशिश यही है जी। यदि हम पार्षद बन जाते हैं तो सबसे पहला प्रायोरिटी मेरा यही रहेगी कि भाई लोगों का जो है गली बनाया जाए, हाँ, पानी का सीवर का जो समस्या है उसको पूर्ण रूप से भाई ख़त्म किया जाए।